So we discussed about the concept of hybridization yesterday, in which we involve the D block elements also. And whenever there are D block elements, then it leads to the formation of dative bond or coordinate bond. जहां पर आपको क्या करना पड़ता है, उस मेटल के ऑर्बिटल्स को खाली करना पड़ता है, so that the other species it can give the electrons. Okay, for example we were discussing the case of cobalt ammonia complex. Where cobalt is having plus 2 charge. Okay, so ammonia is a neutral ligand. ठीक है, न्यूट्रल था, हमने ये पढ़ा हुआ है. तो x माइनस जीरो करोगे इट विल बी प्लस टू. तो x कोबाल्ट की क्या स्टेट आ रही है, प्लस टू स्टेट आ रही है. ओके, तो कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते, कितना नंबर होता है बेटा कोबाल्ट का, 27 नंबर होता है. ठीक है, ये मैंने आपको राइन लर्न करने के लिए ग्रुप में भेजी थी. ठीक है, लर्न कर लेनी है अगर आप चाहते हो कि सेकंड और ये वाला चैप्टर जो है वो आपका हो जाए अच्छे से. ओके, सेकंड चैप्टर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये. दिस इज आर्गन 18, यही कॉन्फ़िगरेशन होगी, 18, 19, 20 और ये 7, 27 हो गए. अब हमने कोबाल्ट को किस स्टेट में लिखना है, वी विल बी राइटिंग कोबाल्ट इन प्लस टू स्टेट, सो इट विल बी आर्गन 18 एंड 3d7. ठीक है, अब 3d7 के लिए बना लेते हैं, सो इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, ये हमने d ऑर्बिटल्स यहाँ पर इन्वॉल्व कर लिए. अब d के बाद यू नो वी विल बी इन्वॉल्विंग s ऑर्बिटल एंड देन फाइनली वी विल बी इन्वॉल्विंग p ऑर्बिटल्स. ओके, तो ये d ऑर्बिटल्स हैं, ये s है और ये p है. अगेन अमोनिया है. ओके, अमोनिया ने क्या कर देनी है, पेयरिंग कर देनी है. तो पेयरिंग होने के बाद क्या होगा, ये वाला जो ऑर्बिटल है ये यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, एंड दिस इट विल बी शिफ्टिंग हियर. सॉरी बेटा, देयर इज 3 पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स, नॉट 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव चार्ज. तो 3 पॉजिटिव है यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा फिर. ठीक है, 2 और 1, 3, तो 6 हो गई है. ओके, नाउ दीस 2d 1s एंड 3p, कितने हमने लाइगेंड्स लगाने हैं, कितने अमोनिया अटैच करने हैं, 6. तो 2 इसमें आ जाएंगे, 3, 4, 5 और ये 6. तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई है, दिस इज d2, एक s इन्वॉल्व हुआ है और 3 p इन्वॉल्व है, 3, 4, 5, 6. So the hybridization is D2SP3. ठीक है, hybridization is D2SP3. Geometry same है octahedral. Geometry same है octahedral. बस DSP2 में याद रखना है square planar है. DSP2 में याद रखना है it is square planar. Right? Similar example you can do for PrF6 3-. ठीक है, सिमिलर एग्जाम्पल है इसकी भी. अगेन यू विल बी गेटिंग D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन. अब यहां तक हमने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ लिया हुआ है. नाउ द शॉर्ट मेथड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन. पेपर में अगर हमने इतना बड़ा नहीं कुछ करना है तो क्या शॉर्ट मेथड है, फॉर कैलकुलेटिंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल. ओके, सो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी कैलकुलेटिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम. ओके, जो सेंट्रल एटम है हमने उसके क्या लिखने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस कितने एटम उसको सराउंड कर रहे हैं, जो उसके साथ लगे हुए हैं एटम सराउंडिंग. यू हैव टू
माइनस द चार्ज ऑफ कैटायन, अगर कैटायनिक स्पीशीज हैं, एंड यू हैव टू ऐड द चार्ज ऑफ कैटायन एंड यू हैव टू ऐड द चार्ज ऑफ एनायन. You have to add the charge of anion. ठीक है. By this method we will be calculating the hybridization of any. So you can calculate. SF4 के लिए निकालो. Calculate for SF4. Calculate for SF4. आपके पास नंबर आएंगे 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, उसके बेसिस पे आपने हाइब्रिडाइजेशन जो है वो प्रिडिक्ट करनी है. हाँ जी निकालिए बेटा. लोअर हमने 2 से स्टार्ट करना है, डेट विल बी sp. 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2, 7 के लिए sp3d3. ठीक है, इसमें से आपने देखने. हाँ जी कितना आया बेटा, क्या नंबर आया SF4 के लिए? सल्फर के वैलेंस कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर सल्फर 6 होते हैं बेटा. 2 कैसे हो जाएंगे? कितने फ्लोरीन लगे हुए हैं? कोई चार्ज ऑन कैटायन नहीं है, कोई चार्ज ऑन एनायन नहीं है. तो द आंसर इज 5. 5 पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3d. सिंपल तो था. अब sp3 पे ज्योमेट्री कौन सी है? sp3d ज्योमेट्री. 5 वाली ज्योमेट्री कौन सी है? नमन 5 वाली ज्योमेट्री बेटा, 5 वाली ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाय पिरामिड. ओके, तो अगर आपसे ज्योमेट्री पूछ लेते हैं तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते हैं तो sp3d होगी. सिमिलरली कैलकुलेट फॉर PO4 3-. सिमिलरली कैलकुलेट फॉर PO4 3-. PO4 3-. हाँ जी कितना आंसर आया बेटा? PO4 3- का 4 आंसर आया. हाइब्रिडाइजेशन 4 पे कौन सी है? sp3. sp3 की शेप कौन सी होती है? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल. ठीक है, सिमिलरली कैलकुलेट फॉर XeF4. Similarly, calculate for SeF4. Okay.
अब इसके बाद मैं एक एग्जांपल फॉर्मल चार्ज की बताऊंगी बस, ठीक है, देन वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। कितना आया? सिक्स पे ज्योमेट्री। ठीक है, बट इसमें दो लोन पेयर होंगे, बट वो हम काउंट नहीं कर रहे हैं, इसमें बता नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर जो है वो स्पेसिफाई होके, अब इसकी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ठीक है, इसके बेसिस पे हम ये कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल है, अदरवाइज चार लगे हुए हैं, इसमें दो लोन पेयर्स आ जाएंगे, तो ऑक्टाहेड्रल इट विल बी अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम डायरेक्टली ऑक्टाहेड्रल कह रहे हैं, बट यहाँ पर हमें दिख रहा है कि छह की बजाय चार लगे हुए हैं, ठीक है, तो ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर। ओके, आगे लिखिए फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन के लिए। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन के लिए लेट्स राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ SO4 नेगेटिव आयन, जहां पर इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दो ऑक्सीजन जो है वो डबली बॉन्डेड होते हैं और दो सिंगली बॉन्डेड होते हैं, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज हैविंग टू नेगेटिव चार्ज। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब ये तो एक्सटेंडेड ऑक्टेट वाला ग्रुप हो गया, ठीक है, एक्सटेंडेड ऑक्टेट वाला केस हो गया। अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2, अब हमारे पास दो ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड हैं, दो ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड है, ठीक है, और एक हमारे पास सल्फर। अब हमने इन तीनों का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, हाउ विल वी कैलकुलेट इन द फॉर्मल चार्ज। हाँ जी, क्या फॉर्मूला था फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का? लिखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसमें से अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देने हैं, जितने शेयरिंग में नहीं है, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वैलेंस चार्ज, फॉर्मल चार्ज। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से माइनस कर देना हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब जैसे मैंने सल्फर का निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सल्फर के? 6, अनशेयर्ड कोई भी नहीं है, 0, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कैलकुलेट करो, शेयर्ड कितने शेयर किए हुए हैं बेटा उसने, अभी बोले भी थे मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शेयर्ड हैं, तो s is equal to 6 minus 6, तो सल्फर पे क्या चार्ज है? 0। इसी तरह डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन का निकाल लो, सेम कैलकुलेट फॉर द डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 होते हैं ऑक्सीजन के, डबली बॉन्डेड में कितने हैं अनशेयर्ड? 4, शेयर्ड कितने हैं? शेयर्ड भी 4 हैं, तो डेट इज 6 minus 4 minus 2, तो 6 minus 6 is 0। सिमिलरली कैलकुलेट फॉर द सिंगली बॉन्डेड, सिंगली बॉन्डेड के लिए 6 माइनस अनशेयर्ड कितने हैं, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड कितने हैं, तो डेट इज 6 minus 6 minus 1, ठीक है, तो डेट इज -1। तो दो सिंगली बॉन्डेड है ना, तो एक का अगर -1 है तो दो का कितना हो जाएगा -2, सो इसलिए SO4 नेगेटिव है,
ठीक है. तो दिस इज हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द फॉर्मल चार्ज. ठीक है, विद दिस केमिकल बॉन्डिंग इज डन फ्रॉम माय साइड. आपने कोई आंसर क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. कोई कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर हो, टेस्ट है आज फ्राइडे को. ठीक है, नॉमेनक्लेचर के फंक्शनल ग्रुप से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, नॉमेनक्लेचर आपको फंक्शनल ग्रुप तक आनी है. हर एक फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए. ओके, कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम्स उनके पता होने चाहिए आपको फॉर द नॉमेनक्लेचर. ठीक है, जैसे मैंने लास्ट तक आई थिंक आपको एल्डिहाइड तक करवा दी थी ना मैंने एल्डिहाइड तक एक बारी फिर से. ठीक है, अभी एसिड कर लेते हैं. फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड्स का यू नो द जनरल फॉर्मूला इज आर सी ओ ओ एच, जहां पर आप लास्ट में ओइक एसिड लिखते हो. ठीक है, जहां पर आप लास्ट में ओइक एसिड लिखते हो तो जो फर्स्ट मेंबर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा आपका? द फर्स्ट मेंबर विल बी, यहाँ पर आर को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे विद एच, तो एक कार्बन वाली स्पीशीज है तो डेट विल बी मिथेनोइक एसिड. ओके, दैट विल बी मिथेनोइक एसिड. और इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है? फॉर्मिक एसिड. जैसे हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिखा था वैसे ही ये क्या बन जाता है? फॉर्मिक एसिड बन जाता है. सेकेंड मेंबर लिखेंगे, दिस इज दो कार्बन वाली कौन सी स्पीशीज होती हैं? इथ, सो दैट इज इथेनोइक एसिड. कॉमन नेम, वेरी गुड, कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड. ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ रहे हो ना एसिटिक एसिड. CH3COOH इज एसिटिक एसिड. ओके, कमिंग टू द थर्ड मेंबर, थर्ड मेंबर कौन सा हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड. ठीक है, और उसका कॉमन नेम लिख लो. राइट डाउन इट्स कॉमन नेम. प्रोपियोनिक एसिड. द कॉमन नेम ऑफ प्रोपेनोइक एसिड इज प्रोपियोनिक एसिड. ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देख लेना. ओके, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ प्रोपेनोइक एसिड. ओके, ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन. फोर्थ मेंबर कौन सा हो जाता है? ब्यूटेनोइक एसिड. ठीक है, उसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक का कॉमन नेम बन जाएगा ब्यूटायरिक, ब्यूटायरिक एसिड. ठीक है, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड. क्लियर बेटा? ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं. एल्केनॉइल क्लोराइड RCOCl. अब हमने सारे एसिड के डेरिवेटिव्स लिखने हैं. RCO था, RCOH था, एक OH को सब्स्टिट्यूट कर दिया बाय Cl ग्रुप से, तो डेट विल बी RCOCl. ठीक है, एल्केनॉइल क्लोराइड कहते हैं हम इनको, यानी कि जो भी नेमिंग करनी है हमने इसी बेस पे करनी है. ठीक है, एल्केनॉइल क्लोराइड क्या देते हैं? एसिड क्लोराइड या एसाइड क्लोराइड. एसिड क्लोराइड या एसाइड क्लोराइड. ठीक है, सारे सेम नेम है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं. सो इफ वी विल बी राइटिंग द फर्स्ट मेंबर, लास्ट में आपने ऑयल क्लोराइड डाल देना बस, जो भी है. ठीक है, अब इसका अगर मैं फर्स्ट मेंबर आपको बताऊं, डेट इज एच सी ओ सी एल, यही बनेगा फर्स्ट मेंबर, जैसे हम एसिड के केस में करते हैं. ठीक है, तो इसका नाम बन जाता है मिथेनॉइल क्लोराइड. एल्केनॉइल के जगह क्या लगा देंगे हम?
एल्केन कौन सा हमारा? मीथेन है ना, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? मिथेन ऑयल क्लोराइड. ओके, इट्स नेम विल बी मिथेन ऑयल क्लोराइड. एंड कॉमन नेम क्या बन जाएगा? फॉर्माइल क्लोराइड. ठीक है, जैसे इसका फॉर्मिक एसिड था, इसका क्या बन जाएगा? फॉर्माइल क्लोराइड. नेक्स्ट मेंबर का बताओ. नेक्स्ट मेंबर का आईयूपीएसी नेम एंड कॉमन नेम. आईयूपीएसी नेम बताओ पहले नेक्स्ट मेंबर का. इट विल बी इथेनॉयल क्लोराइड. ठीक है, और कॉमन नेम? जैसे एसिटिक एसिड था वैसे ही क्या बना दिया? एसिटाइल क्लोराइड बना दिया. थर्ड मेंबर का, थर्ड इज प्रोपेनॉयल क्लोराइड. ठीक है, और उसका कॉमन नेम क्या लिखा मैंने? प्रोपेनियोइक एसिड. तो इसका आईयूपीएसी, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? अब अगर मैं इसमें ये लगा दूंगी, RCOCl ग्रुप लगा दूंगी, तो इट विल बी, जैसे एसिटाइल बना है वैसे ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉयल क्लोराइड. इट विल बी प्रोपेनॉयल क्लोराइड. ठीक है, लास्ट वाला मेंबर बताओ. लास्ट वाला मेंबर ब्यूटेनॉयल क्लोराइड. ब्यूटेनॉयल क्लोराइड बन जाएगा ना. ठीक है, ओके. चलो नेक्स्ट राइट डाउन अमाइड्स. नेक्स्ट राइट डाउन अमाइड्स. अब यहां पर मैं Cl की जगह कौन सा ग्रुप लगा देती हूँ? NH2 ग्रुप लगा देती हूँ. दैट फॉर्म्स अमाइड्स. ठीक है जी, दैट फॉर्म्स अमाइड. अब यहाँ पर ये जरूरी है कि NH2 के साथ CO का ग्रुप होना इम्पॉर्टेंट है. अदरवाइज अकेला अगर आप NH2 लगा रहे हो, डैट विल बी अमीन. तो ये अमीन है जो डायरेक्टली कार्बन CH2 के साथ लिंक्ड है. अगर CH2 के साथ C डबल बॉन्ड O लिंक है तो वो क्या बन जाता है? अमाइड बन जाता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अमीन एंड अमाइड. ठीक है, जो कार्बन की चेन है अगर उसके साथ डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच है तो वो अमीन है. अगर उस कार्बन की चेन के साथ C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप अटैच है तो वो अमाइड है. ठीक है, ये इसके ग्रुप का होना जरूरी है. CONH2 इज वन. अगर ये चीज जो है वो कार्बन चेन के साथ लगी हुई है तो वो अमाइड होगा, अदरवाइज इट विल बी अमीन, जहां पर ये CO ग्रुप नहीं होगा. ओके, राइट. चलिए राइट डाउन द नेमिंग. हमने लास्ट में सबके अमाइड ग्रुप अटैच करना है. ठीक है, जैसे फर्स्ट मेंबर अब इसका क्या हो जाएगा? HC OONH2. दिस इज मिथेनामाइड. ठीक है, दिस इज मिथेनामाइड. सबके साथ हमने अमाइड ग्रुप अटैच कर देना. So that is methanamide. Common name क्या था जब हमने एसिड डिस्कस किया? फॉर्मिक एसिड. कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड था, फॉर्माइल क्लोराइड आया. अब इसका क्या हो जाएगा फिर? ठीक है जी, पहले वाला सेम रख रहे हैं, पीछे वाला ग्रुप चेंज करे जा रहे हैं. फॉर्माइल कर दिया, फॉर्मामाइड कर दिया, फॉर्मिक कर दिया. ओके, सो दिस इज फॉर्मामाइड. सेकंड ग्रुप बताओ अब ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी एथेनामाइड. और आर यू कॉमन नेम? एसिटामाइड. कॉमन नेम क्या बन जाएगा? एसिटामाइड. The common name will be acetamide. ठीक है जी, थर्ड चेन, थर्ड ग्रुप कौन सा आ जाएगा इसका? अब प्रोपेनामाइड. और कॉमन नेम प्रोपियोनामाइड. ठीक है, कॉमन नेम क्या बन जाएगा? प्रोपियोनामाइड. PIONAMID. ठीक है, प्रोपियोनामाइड. राइट,
So that will be formamide, sorry, propanamide. ठीक है जी, प्रोपियोनामाइड. ठीक है, नाम दोनों सेम सेम है, बस कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको. यहाँ पे प्रोपेनामाइड लिखा है, यहाँ पे प्रोपियोनामाइड लिखा है. ठीक है, ये आईयूपीएसी है और ये कॉमन है, राइट. नेक्स्ट लिखिए एस्टर ग्रुप. अब एस्टर ग्रुप्स में क्या हो जाता है बेटा, एस्टर ग्रुप में आर सी ओ ओ आर बन जाता है. एक ओ आर ग्रुप लगा देते हैं हम यहाँ पर, दैट फॉर्म्स एस्टर्स. ओके, दैट फॉर्म्स एस्टर्स. लास्ट में आपने ओएट लिखना हर एक, मिथेनोएट, प्रोपेनोएट. ठीक है, मिथाइल मिथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, ऐसे करके. ओके, अब जैसे फर्स्ट मेंबर लिख लेते हैं लाइक दिस. ठीक है, अब फर्स्ट मेंबर लिख लिया हमने, क्या नाम है इसका बेटा, जो ये वाला मिथाइल ग्रुप है ये हमने पहले लिखना है. ठीक है, इसका वैसे जर्नल नेम है एल्काइल एल्कैनोइड. तो उस अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा ये, इट विल बी मिथाइल. एक कार्बन रह गया पीछे, दैट विल बी मिथेनोएट. एक कार्बन पीछे रह गया, दैट विल बी मिथाइल मिथेनोएट. ठीक है जी, उसके बाद सेकंड लिखो. अगर मैं यहां पर एक सी एच थ्री ग्रुप से रिप्लेस कर देती हूँ इसको, जो इधर वाला ग्रुप है वो हमेशा पहले लिखा जाएगा. ठीक है, जो ये वाला ग्रुप है ये हमेशा पहले लिखा जाएगा. तो ये जो सी एच थ्री है डेट इज मिथाइल ग्रुप. ठीक है, अब ये क्या बन गया, इथाइल. तो इट विल बी मिथाइल इथेनोएट. ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं एनहाइड्राइड्स की. एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स के बाद अब आ जाते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स. एसिड एनहाइड्राइड्स, जहां पर ये ग्रुप को हम रिप्लेस करते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ तो आपने पहले लिखा हुआ था, एक ओ आता है, फिर सी डबल बॉन्ड ओ आता है, फिर आर. ठीक है, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड. सो राइट डाउन द फर्स्ट मेंबर. यहां पर दोनों आर ग्रुप्स को हम रिप्लेस कर देते हैं अगर सी एच थ्री के साथ. ठीक है जी, क्या नाम है इसका बेटा, दोनों तरफ कौन सा ग्रुप है, दो कार्बन वाला, दो कार्बन के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, इथ. तो डैट विल बी इथेनोइक एनहाइड्राइड. डैट विल बी इथेनोइक एनहाइड्राइड. ओके, और इसका कॉमन नेम क्या बन जाएगा, दो कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं कॉमन नेम में, एसिटिक. सो दैट विल बी एसिटिक एनहाइड्राइड. दैट विल बी एसिटिक एनहाइड्राइड. ठीक है जी, अब अगर मैं यहां पर C2H5 लगा देती हूँ एक ग्रुप, अब मिक्स्ड हो गया ये, एक तरफ इथ है, एक तरफ प्रोप है. ठीक है, नॉमेनक्लेचर में पहले ई आता है, तो इट विल बी इथेनोइक. फिर मैं क्या लिखूंगी, प्रोपेनोइक, देन एनहाइड्राइड. ठीक है जी, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक. उसके बाद प्रोपेनोइक का मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, प्रोपियोनिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, एनहाइड्राइड. ठीक है, कॉमन नेम क्या आ जाएगा इसका, एसिटिक, प्रोपियोनिक, एनहाइड्राइड.
ठीक है जी। अब उसके बाद अमीन्स डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताए हैं अमीन इज आर एन एच टू, ठीक है। अब ये अमीन्स भी जो है वो तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। जैसे आप प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन पढ़ के आए हो, वैसे ही प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन है। अगर तो ऐसे है देन इट इज अ प्राइमरी अमीन जो एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। अगर कुछ ऐसे है तो डेट विल बी सेकेंडरी अमीन, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ ये अटैच है डेट इज अटैच फर्दर टू द टू कार्बन आइटम, सो डेट विल बी अ सेकेंडरी अमीन। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड इज टर्शरी अमीन। Is this the example of tertiary amine, where the carbon atom attached to this is further attached to three carbon atoms?